राम राम, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल, इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ फरीदाबाद से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूं इंडिया न्यूज हरियाणा पर। तो बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी को 7 सीटें आ रही हैं, सोनीपत और सिरसा रोहतक पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत लग रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, जनता जनार्दन ने जो मत दिया है उससे भरोसा और विश्वास कायम करना चाहिए। 2014 में 7 लोकसभा की सीट जीते थे और 2019 में हम 10 जीते थे, और जनता पे भरोसा रखना कि जनता जो मत देती है और जो 4 को मत देंगे उसको भी हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए कि जनता सर्वप्रिय है। और मैं तो प्रदेश की हरियाणा की जनता का धन्यवाद करूंगा, जिस तरह से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का ये परचम फैलने वाला है, ये बहुत बड़ी बधाई। इतिहास में तीसरी बार, दूसरी बार तो हमने सुना है पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलना ये ऐतिहासिक पल होगा, ऐतिहासिक दूंगा। और देश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बंसल जी सरकार बन रही है, मैं इसकी बधाई दूंगा कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ और अपार बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, ये देश और प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। लेकिन मूलचंद शर्मा जी, कांग्रेस का इससे उलट दावा है, कांग्रेस का कहना है कि 10 सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी, आपका क्या कहना है? मैंने कभी कांग्रेस के मित्रों की बात का बुरा नहीं, कांग्रेस के मित्र हमेशा कहते हैं अपनी बात रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है, हर पार्टी के अधिकार। और कांग्रेस के मित्र तो 14 में भी कहते 10 आएंगे, 19 में भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं 24 आएंगे, पर आने वाली 4 तारीख को दूध का दूध पानी हो जाएगा, सपा क्लियर हो जाएगा किसको क्या मिलने वाला है। पर कांग्रेस वालों को कुछ मिलने वाला नहीं है, ना प्रदेश से मिलने वाला ना देश से मिलने वाला। भारतीय जनता पार्टी की परचम बहुमत की सरकार बनेगी, हर व्यक्ति लड़ता है, चुनाव लड़ता है, एक जीतता है एक हारता है, पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भरोसा और विश्वास किया है और बंपर जीत होने वाली है। मूलचंद शर्मा जी, इस बार के अगर चुनावों की बात करें तो मुख्य मुद्दे क्या रहे हरियाणा के? मैं समझ नहीं पाया। मेरा सवाल यह है सर कि इस बार हरियाणा में मुख्य मुद्दे क्या रहे लोकसभा चुनाव में? नहीं, हरियाणा में तो हर क्षेत्र, हरियाणा का तो 20 किलोमीटर के बाद तो अपनी वाणी बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, पानी बदल जाता है, लोगों का हर 20 किलोमीटर मुद्दे बदले हैं। हरियाणा में तो रोहतक का मुद्दा अलग है, पलवल में अलग है, नारनौल महेंद्रगढ़ का अलग है, सिरसा का अलग है। तो मैं कहता हूँ कि कहीं जातिगत आंकड़ा हावी रहा है, कहीं क्षेत्रवाद हावी रहा है, कहीं मोदी जी का विकास हावी रहा है। तो मैं मानता हूँ कि पूरे प्रदेश में जो मोदी जी का और प्रदेश में जो सरकार ने जो काम किए हैं, केंद्र प्रदेश सरकार ने, उसको लोगों ने सराहना की है। पर कई दुखंत बातें हैं, कहीं जाति के नाम से, कहीं धर्म के नाम से, कहीं दूसरों के नाम से जिस तरह से बंटवारे होते हैं, ये ना देश के लिए ठीक है, ना प्रदेश के लिए ठीक है, ना किसी विशेष पार्टी के लिए ठीक है, कि आने वाले समय में इनका कोई महत्व नहीं था। हम देश और प्रदेश के बारे में हम सब लोगों को सोचना चाहिए, देश हित में क्या है, प्रदेश के हित में क्या है। और मैं कहता हूँ कि हरियाणा सबसे जागरूक प्रदेश है, हर व्यक्ति इसकी सराहना का, हर व्यक्ति हरियाणा की अपनी पहचान है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हरियाणा में मुद्दे अनेक रहे और समय पे आने पे सब एक रहे, ये बहुत बड़ी बधाई है। लेकिन वो कौन से मुद्दे रहे जिसका बीजेपी को बढ़त मिली है, जिसका बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा मिलता नजर आ रहा है आपके हिसाब से? नहीं, मेरा सबसे बड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हरियाणा, हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नाम से जो नारा दिया था, और सबके गरीब का बेटा जो योग्यता के आधार पर प्रदेश में जो नौकरी मिली, योग्यता के आधार पर गरीब का बेटा हो या किसी व्यक्ति का बेटा हो, पढ़ने वाला है तो योग्यता के आधार पर नौकरी मिली। तेरा मेरा नहीं रहा, ये मुख्यमंत्री का रिश्तेदार है, ये मंत्री का है, विधायक का है, हर व्यक्ति को अधिकार मिला, पढ़ने वाले बच्चे को पूरे प्रदेश में नौकरी, और समानता के आधार पर पूरे प्रदेश में विकास हुआ,
समानता के आधार पर विकास हुआ और जितने हाईवेज जितने प्रदेश बने कि हरियाणा में 40 साल में नहीं बने, जो पुराने थे वही ठीक नहीं हुए। आज जाके हरियाणा में देखिए, आप जब आप वहीं से चलिए सिरसा से रेवाड़ी तक और फरीदाबाद से चलिए पंचकुला तक, दर्जन और हाईवेज बने हैं, दर्जन और फ्लाईओवर बने हैं, रेलवेज है, मेट्रोज है, कॉरिडोर है, औद्योगिक क्षेत्र है, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हर विकास के नाम से जो वोट मिली है, ये प्रदेश के लोगों ने विकास को वोट दिए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रहित में वोट दिए हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन मूलचंद शर्मा जी, जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, हमारे चैनल के एग्जिट पोल की अगर बात करें तो 7 सीटें बीजेपी को मिल रही है, जो बाकी सीटें हैं आपको क्या लगता है बीजेपी की ओर से कहां चूक रह गई? नहीं, मैंने कहा था 14 में भी 7 सीट आई थी हमारी और 19 में भी 10 आई थी, कहीं मुद्दा रह सकते हैं कि छोटा मोटा मुद्दा है। अभी एग्जिट पोल ने दिखाए हैं 10 की 10 आ सकती है, अभी 7-3 ही तो कहा आपने, 10 की 10 आ सकती है। एग्जिट पोल ने अपनी बात रखी है और ये बात के मन नहीं मानना चाहिए भी 10 इनमें से हमारे तीनों की 10 की 10 जीतने वाले हैं और 10 की 10 जीतेंगे, पर ये कि समय है, समय के हिसाब से कहीं कमी रह जाती है। सारा काम तो हर व्यक्ति किसी से खुश नहीं हो सकता, कहीं कमी हो सकती है। मूलचंद शर्मा जी, हरियाणा जाटलैंड कहा जाता है, तो क्या लगता है बीजेपी की ओर से जाटों को साधने की इस बार रणनीति क्या रही? ऐसा मेरा आपका कहना है कि हरियाणा में, मैं एक भाषा में कहूँ, किसी को साधने को खूब साधा, कोई सत्ता ही नहीं है, साधा बहुत है, कोई सत्ता ही नहीं है तो उसे क्या करें? हम मानते हैं, दूसरा नहीं माने तो उसका क्या इलाज है? सब कुछ बीजेपी ने दिया, बीजेपी ने क्या नहीं दिया? बीजेपी ने क्या साधने का प्रयास नहीं किया? बीजेपी ने क्या देने का काम नहीं किया? बीजेपी ने प्रदेश में क्या नहीं किया? सब कुछ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में किया है, हर समाज को, हर जाति के आधार पर सबको साधने का प्रयास किया है, चाहे किसी बिरादरी के लोग हों। पर मैं, कोई व्यक्ति सदना नहीं चाहता, उसका इलाज क्या है? नहीं मानता कोई व्यक्ति, उसका मानना ही नहीं है, कह कितनी बात करो, मानना नहीं है तो क्या करेंगे आप? जो आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है, केंद्र के काम को, प्रदेश के काम को मानने की तैयार नहीं है, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? अब प्रदेश में ठीक है, कोई व्यक्ति साथ चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मूलचंद शर्मा जी, जो नतीजे अभी लोकसभा चुनाव के आएंगे, उसका असर आपको क्या लगता है विधानसभा चुनावों में कितना पड़ेगा? नहीं, विधानसभा में अगर आने वाले समय में बात करेंगे, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत की जो आंकड़ा आपने कहा ना जी, उसे साधने का प्रयास नहीं करा, तो हम एक नहीं सदेगा और को साधने का प्रयास करेंगे। किसी कारण कोई नहीं सुनता, पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। आप देखना हरियाणा में कितना बहुमत, कितने जोश के साथ आने वाला बहुमत हरियाणा में होगा। जो विरोधी लोगों ने, जो कांग्रेस के मित्रों ने जितना कहा, मैंने कभी इतिहास में सुना नहीं बंसल जी, इतना जितनी बदतमीजी, जितनी बेकायदियाँ हुई, क्या क्या नारे नहीं दिए, क्या क्या देश हित में या पर कोई बात तो नहीं करी उन लोगों ने, निज हित की बात करी, परिवार हित की बात करी, क्षेत्रवाद की बात करी, जाति की बात करी, भारतीय जनता पार्टी देश की बात करी, प्रदेश की बात करी और राष्ट्र की बात करी। इन लोगों ने निज हित में जातिगत के नाम से कितना भ्रमित करने का काम किया, पूरा प्रदेश जानता है। और प्रदेश इसका आने वाले समय में अक्टूबर में चुनाव होंगे, एक एक पाई पाई का इनका चुकता हिसाब करने वाला है। एक ये ध्यान रख ले मेरे मित्र कि एक एक पाई का हिसाब देंगे समय में 2000 अक्टूबर में, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, बम्पर सरकार बनने वाली है। मूलचंद शर्मा जी, कई तरह के आरोप भी आपकी पार्टी के नेताओं की ओर से लगाए गए थे कि आपकी पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता है, कुछ नेता है जो दूसरी पार्टी को इस दौरान फायदा पहुंचा रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बाकी दलों में भी इसी तरह की शिकायतें आई थी। जिन्होंने अगर किसी पार्टी के साथ कोई पार्टी माँ होती है, पार्टी के साथ गद्दारी करना ठीक नहीं है और माँ के साथ कभी गद्दारी नहीं होनी चाहिए। और मैं कह कोई पार्टी हो, और भारतीय जनता पार्टी ने देश को बहुत दिया, सबको सब देने का काम किया है, चाहे सीमाओं की बात करें, सुरक्षा की बात करें, देश के सम्मान की बात करें या स्वाभिमान की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ देश में दिया है। और जिन लोगों ने गद्दारी की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए,
कोई व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति गद्दारी करके अगर चुप रहना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कोई हो उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि ऐसे लोगों के जो लोग करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, आपको क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, सीधा असर विधानसभा चुनावों में भी इसका देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं, चुनाव आना अपने समय का है। जो व्यक्ति पार्टी के साथ बगावत करता है, पार्टी के साथ बेकायदी करता है, पार्टी के कानून कायदे को मानता नहीं है, कोई व्यक्ति हो, चुनाव अपनी जगह नहीं है, कार्रवाई अपनी जगह है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि दूसरे लोग कम से हित करेंगे का, अगर पार्टी कार्रवाई करे दूसरा आदमी हिम्मत नहीं रखता कार्रवाई कर दूसरा काम करने के लिए। ठीक है, मूलचंद शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, कितना आश्वस्त हैं आप इस बार, क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, कितना आश्वस्त हैं आप? नहीं, मैं नहीं कहता, सारा देश सारी दुनिया कहती है, सारी दुनिया के देश के प्रधानमंत्री का जो नारा जो साकार है 400 पार, उस नारे को साकार करने वाली है भारत की जनता। और मैं इतना स्वस्थ जीवन में कभी हो नहीं सकता, क्यों तीसरी बार सरकार आना ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है, और 400 एमपी के साथ आना बड़ी बात है, और तीसरी बार एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और प्रदेश में की 10 जीतने वाली है। कि मैं इससे स्वस्थ हूँ कि पूरे हरियाणा और प्रदेश में देश में कि हर व्यक्ति कहता है कि रामराज है, और रामराज असली रामराज तो इसको मानते हैं कि 10 साल का जो समय रहा आम व्यक्ति का, आम व्यक्ति अपनी बात कर सकता है, आम व्यक्ति अपनी बात पहुंचा सकता है, आम व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, कि राष्ट्र में अपनी बात कह सकता है, सीमा की सुरक्षा की बात कह सकता है, सेनापति के सेना के लिए कह सकता है, कि ये है रामराज। और मैं कहता हूँ इतनी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है, और देश के 140 करोड़ लोगों के लिए ये ऐतिहासिक पल होगा, खुशी का दिन होगा, और रोने वाले सारी ज़िंदगी रोएंगे, उनका कभी जो रोने वाले हैं वो कभी रुका नहीं करते, सारी ज़िंदगी रोते हैं। तो बिल्कुल चुनावी तस्वीर अब 4 जून को साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए मूलचंद शर्मा जी। तो हमारे साथ फरीदाबाद से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी जुड़े थे, उन्होंने दावा किया कि तीसरी बार केंद्र में बीजेपी सरकार बनेगी। फिलहाल के लिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला